मॉर्निंग, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में जो अपना चैप्टर था, द फर्स्ट लेसन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, नाम था द फन दे हैड। इसका मतलब आपको बताया कि वो आनंद जो वो लिया करते थे या वो मजे जो वो किया करते थे, तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर था आपका, ये हमने शुरू किया था। और कितना पढ़ा दिया था आपको कि प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 7। यहाँ बच्चों पांचवा जो पैराग्राफ है वो मैं शुरू करता हूँ, जरा देखेंगे आप। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, ये वाला बच्चों आपको समझाया था मैंने, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, ये वाला पार्ट समझा दिया था। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिक्स्थ पैरा। सिक्स्थ पैरा बच्चों पर शुरू करेंगे और इसे ऊपर वाला जरा थोड़ा सा आप देख लें। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, बताया था आपको कि मार्गी क्या हो गई थी, हताश हो गई थी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड यानी मार्गी हताश हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग, अर्थात वह तो ये उम्मीद लगाए बैठी थी, दे वुड टेक द टीचर वी ऑल टूगेदर, अर्थात वे टीचर को क्या करेंगे, पूरी तरह से वहां से लेके चल जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टोमीज टीचर अवे, एक बार वो टोमी के टीचर को भी ले गए थे, है ना, फॉर नियरली ए मंथ यानी लगभग एक महीने तक, बिकॉज द स्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसका जो स्ट्री वाला सेक्टर है उसका पूरी तरह से क्या हो गया था, उसका पूरी तरह से सफाई हो गया था। सो शी शेयर्ड टू टोमी, इसलिए वह टोमी से बोली, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, ये बताओ स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। तो वो एक्चुअली ये कहना चाहती थी दैट देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट स्कूल, यानी स्कूल के बारे में लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली व्हाट शी वांटेड टू से, वो ये कहना चाहती थी देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट स्कूल, यानी स्कूलों के बारे में लिखने जैसा कुछ नहीं होता है। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा विद वेरी सुपीरियर आइज, माने बहुत ही श्रेष्ठ दृष्टि से, बहुत ही होशियार दृष्टि से देखा। वर्ल्ड इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारे जैसे स्कूल नहीं है, स्टूपिड, दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने तरीके का स्कूल है, दैट दैट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, जो कि सैकड़ों सैकड़ों सालों पहले हुआ करते थे। ये डेड लॉफ्टीली, उसने बड़ी गर्व के साथ जोड़ा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों को चबा चबा कर, ये कहो कि शब्दों का उच्चारण बहुत ही सावधानी पूर्वक करते हुए, सेंचुरीज अगो माने शताब्दियों पहले, मार्गी वो झट मार्गी को चोट पहुंची। वेल आई डोंट नो, ठीक है मैं नहीं जानती हूँ व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि किस तरीके के स्कूल उनके हुआ करते थे, ऑल दैट टाइम, अर्थात उस सारा समय हो गया पहले, अर्थात पहले के जमाने के अंदर किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, उसने क्या किया, उसने बच्चों किताब को पढ़ा थोड़ी देर के लिए उसके कंधे के ऊपर से होकर के, देन शेड और फिर बोली, एनीवे दे हैड अ टीचर, ठीक है उनके पास में कोई टीचर हुआ करता था, ठीक है एनीवे दे हैड अ टीचर, अर्थात ठीक है उनके पास में क्या हुआ करता था, कोई टीचर हुआ करता था, श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनके पास में टीचर हुआ करता था, बट इट वॉज अ रेगुलर टीचर, परंतु ये रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था, इट वॉज अ मैन, बल्कि ये क्या होता था, इट वॉज अ ह्यूमन बींग, ये मानव प्राणी हुआ करता था, मैन एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी एक शिक्षक कैसे हो सकता है। वेल ठीक है, ही जस्ट टॉल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वे सिर्फ लड़कियों और लड़कियों को चीजें बताता था, एंड गिव देम होमवर्क, उनको देता था गृह कार्य, उनको देता था गृह कार्य, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे पूछता था सवालात। मैन इजंट स्मार्ट एनफ, अर्थात मैन इजंट इंटेलिजेंट एनफ, एक आदमी इतना जो है होशियार नहीं हो सकता। बच्चों एक्चुअली अपन पढ़ना यहां से शुरू करें, यहां तक की बातें हो गई थी। मैन इजंट स्मार्ट एनफ का मतलब होता है मैन इजंट इंटेलिजेंट एनफ, कोई आदमी इतना होशियार नहीं हो सकता है। बच्चों एक्चुअली इजंट का मतलब कांट है, ए मैन कांट, ए मैन कांट बी और लगेगा ये, क्योंकि आप तो जानते हो बच्चों इज में तो बी छुपा हुआ है, लेकिन बी में थोड़ी छुपा हुआ, बी कोई मेन वर्ब थोड़ी होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए मैन कांट बी स्मार्ट एनफ, ए मैन कैन नेवर बी इंटेलिजेंट एनफ, एक आदमी जो है कभी भी इतना होशियार नहीं हो सकता है। श्योर अवश्य इज मनी वह होता है, श्योर इज निश्चित रूप से वह होता है, माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज यानी उतना अधिक जितना माई टीचर नोज, मेरा मैकेनिकल टीचर जितना जानता है ना उतना मेरे पापा भी जानते हैं, माई फादर नोज एज एज मच एज, माई फादर नोज एज मच एज माई मैकेनिकल टीचर नोज, यानी जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है
उतना कौन जानता है, उतना मेरे पापा भी जानते हैं। एक्चुअली वो टॉमी ये कहना चाहता है कि मशीनों का किसने ईजाद किया, मशीनों को बच्चों मनुष्य ने ईजाद किया, ठीक है। तो मशीनरी इज इन्वेंटेड, मशीनरी इज इन्वेंटेड बाई मैन, मशीनरी को आखिरकार मनुष्य ने तो आविष्कार किया है, क्योंकि मनुष्य ने आविष्कृत किया है, इसलिए ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण होगा कि मशीनों के बराबर दिमाग मनुष्य में नहीं होता, क्योंकि मनुष्य ही क्या है, उनका सृष्टा है, मनुष्य ही उनका क्या बच्चों सृष्टा है। तो कहता है कि उदाहरण के लिए देखो, माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, अर्थात मेरे पिताजी उतना अधिक जानते हैं जितना अधिक कौन जानता है, मेरा मशीनी अध्यापक जानता है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। ही नोज का मतलब क्या होता है बच्चों, ही नोज यानी वो जानते हैं, कौन पिताजी की बात की जा रही है, ही नोज अर्थात वो जानते हैं, ऑलमोस्ट का मतलब होता है बच्चों लगभग अबाउट, एज मच एज मच, ठीक है भाई फादर, ऑलमोस्ट नोज एज मच एज माई टीचर, नोज अर्थात मेरे पिताजी लगभग उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है, यानी बिल्कुल बराबर नहीं पर लगभग उसके लेवल का जानते हैं। आई बेचा, आई कैन बैट, मैं इस बात के ऊपर शर्त लगा सकता हूं। ये बेचा बच्चों बोलचाल का शब्द है, स्पोकन इंग्लिश का है, क्योंकि कई बार आप जानते हो कुछ बोलचाल के शब्द अलग ही होते हैं, है ना, जैसे पर कहते हैं है ना, तेरे को ये पसंद है क्या, मेरे को ये पसंद नहीं है, लेकिन आप जानते हो बच्चों हिंदी में जब लिखते हैं कागज पे तो कोई तेरे को मेरे को थोड़ी लिखता है, तेरे को मेरे को तो गलत माना जाएगा, आपको मुझे कहना चाहिए, आपको तेरे को क्या तुम्हें या तुझे कहना चाहिए, इस तो कोई नहीं है ना, लिखित में जब आप कोई ईमेल वगैरह लिखोगे तो तेरे को मेरे को नहीं चलेगा, अपन को क्या है, ये बोलचाल के शब्द हैं, इन द सेम वे अंग्रेजी में होते होंगे। तो कह रहा है जी आई कैन आई बेचा, इसका मतलब होता है आई बैट, मैं शर्त लगाता हूं, मैं शर्त लगाता हूं मेरे पिताजी लगभग उतना ही जानते हैं जितना वह आई मीन जो मशीन अध्यापक जानता है। मार्गी वजन प्रिपेयर्ड, आप जानते हो बच्चों अगर मान लो आपको कहीं कोई भाषण देना है तो भाषण देने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक इट्स प्रिपेरेशन फर्स्ट, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करके आप भाषण दोगे तभी तो जाके आपके भाषण में असर आएगा। लेकिन बच्चों कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो बिना तैयारी के भाषण दे देते हैं, तो ये जो बच्चों आप जानते हो एक शब्द मेडन स्पीच, ठीक है मेडन स्पीच, दूसरा शब्द और बताएंगे चिंता मत करो, दूसरा शब्द होता है बच्चों एक्सटेम्पोर, जानते मतलब क्या होता है ये बच्चों, जो मेडन स्पीच होता है ये पहला भाषण होता है किसी आदमी का, हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि तैयारी करके नहीं है, वो तो तैयारी करके ही देता होगा, पहला आदमी जो पहली बार भाषण देगा कौन सा बेवकूफ होगा जो बिना तैयारी के देगा, मेडन स्पीच, मेडन स्पीच इज द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाई समबडी, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा पहली बार जो भाषण दिया जाता है उसे हम मेडन स्पीच कहते हैं। स्पीच यानी तो भाषण होता है, स्पीच यानी भाषण होता है, स्पीच यानी वाणी होती है, स्पीच का मतलब बच्चों शब्द होता है, क्लियर है। और जो मेडन है ये बच्चों वैसे तो कुंवारी लड़कियों को कहा जाता है, कोई कुंवारी लड़की होती है वर्जिन अनमेरिड है ना, तो इस प्रकार की जो लड़की होती है उसको हम मेडन कहते हैं। तो यहां पर बच्चों ये भाषण कैसा है बच्चों, ये भाषण जो है ये वैसा है ना। तो एक्सटेम्पोर, अब एक्सटेम्पोर का मतलब बच्चों बिना तैयारी के अगर कोई भाषण देगा तो उसे आप एक्सटेम्पोर कहते हैं, बिना तैयारी के। तो ये कहता है कि मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड का मतलब बच्चों मार्गी तैयार नहीं थी, किस बात के लिए तैयार नहीं थी, मार्गी वाजन प्रिपेयर्ड अर्थात मार्गी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट दैट अर्थात इस बात का खंडन करने के लिए, इस बात के ऊपर आप जानते हो डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट है क्या, डिस्प्यूट क्या होता है विवाद, इस बात पर वाद विवाद करने के लिए मार्गी तैयार नहीं थे, मार्गी वॉज नॉट रेडी टू आर्ग्यू ओवर दैट इशू, उस इशू के ऊपर उस मुद्दे के ऊपर बच्चों वाद विवाद करने के लिए मार्गी तैयार नहीं थी। शिशर में बोले आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रांग मैन इन माई हाउस टू टीच मी, आई वुडंट वॉन्ट का मतलब होता है बच्चों आई वुडंट लाइक, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी दैट ए स्ट्रेंजर कम्स टू माई हाउस, मैं इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी कि कोई अजनबी आएगा मेरे घर में और आकर के वो मुझे क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, पढ़ाएगा। तो बच्चों दरअसल ये है कि पढ़ाएगा पर अजनबी का क्या भरोसा, आजकल के जमाने में तो आप जानते हो बच्चों अजनबी का कोई भरोसा नहीं है, तो उस जमाने में तो मशीनें आ जाएगी। तो लड़की कहती है कि मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बाहर का आदमी आए अजनबी आए और मुझे पढ़ाए, देखो कह रही है वो तो कह रही है, आदमी पे भरोसा नहीं करती है बिल्कुल भी, है ना, तो देखो क्या करिए। शीशेड़ बोली
I wouldn't want a strange man. I wouldn't like a strange man, or I wouldn't like a stranger. Many jaun ji ko is nabi should come into my house. अर्थात वो मेरे घर में आए इन ऑर्डर टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए. मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी कोई ऐसे भी मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए. तो वो कहता है कि तू तो स्टूपिड की स्टूपिडी ठहरी, तुझे अकल नाम की चीज तो ऊपर वाली दी नहीं. भगवान ने तुझे भेजा तो भेजा, परंतु भेजे में भेजा बिल्कुल नहीं भेजा. वो ये कहता है कि मैं इस तरीके की स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं. उस जमाने के अंदर स्कूल एक स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल अपार्टमेंट हुआ करता था, और अध्यापक आपको घर पर पढ़ाने नहीं आया करता था. यदि आप राजा की बेटी है, मानी शहजादी है, तो भी नहीं, आपको अध्यापक के पास पढ़ने जाना पड़ता था. एक ही उम्र के बच्चे एक ही कक्षा में बैठते थे, एक ही उम्र के बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे, और एक ही उम्र के बच्चे एक ही होमवर्क प्राप्त करते थे, एक ही होमवर्क उनको मिलता था. तो मार्गी को लगता है कि यार ये तो बड़ी मजेदार चीज है. तो देखो आगे क्या बातें हैं. शी सेड आई वुडंट. तो देखो बच्चों टॉमी ने क्या जवाब दिया. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी स्क्रीम्ड और टॉमी बर्स्ट इनटू लाफ्टर. टॉमी ने क्या लगाया बच्चों, टॉमी ने ठहाका लगाया. टॉमी ने ठहाका लगाया, टॉमी ने अट्टहास किया. टॉमी जोर से हंस करके चीखा कि डोंट नो मच, तेरे कुछ नहीं आता है. यू डोंट नो मच का मतलब होता है तू कुछ नहीं जानती है. मार्गी द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. अध्यापक घरों में नहीं रहते थे, अध्यापक तो विद्यालयों में रहते थे, पाठशालाओं में रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक खास इमारत होती थी उनके पास. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एंड ऑल द चिल्ड्रन वेंट देयर देमसेल्व्स. और तमाम बच्चे, तुम्हारे जैसे बच्चे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं. बच्चों निदा फाजली एक बहुत अच्छा पोएट है, तो उनकी एक बड़ी फेमस कविता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं. ये कविता अगर आपको पढ़ने का मौका मिले जरूर पढ़ना, मुझे बेहद पसंद है. बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं और अध्यापक जो है घर पे पढ़ने नहीं आते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. लड़की पूछती क्या, एंड ऑल द किड्स, और तमाम बच्चे लर्न द सेम थिंग का मतलब और तमाम बच्चे एक ही बात सीखते हैं क्या, मतलब एक ही बात सीखते थे. तो बच्चों यहां देखो, आप जानते हो डिड का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन यहां लहजा है. काकू, काकू वक्रोक्ति यही होता है बच्चों, जिसके अंदर आपका लहजा है ना. जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो. जैसे मैंने आपको कहा कि तुम कल आओगे, एक तो बोला मैंने तुम कल आओगे, ये तो आदेश है मेरा. एक तुम कल आओगे, ये मेरा सवाल है. ये लहजा है बच्चों, लहजा. तो ये टॉन की बात है. तो वो कह रही है देखो, इसमें इसमें साहित्य क्रिया का कोई यूनिवर्सल नहीं हुआ है एचवी का, फिर भी क्या आ रहा है जरा देखो. ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और तमाम बच्चे एक ही बात सीखते थे. अब बच्चों आपको बताया गया था, जरा देखो ये लर्न है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है ध्यान देना, लर्न, और थर्ड क्या होती है लर्न. फिर आप देखोगे सर ये क्या है. देखो जी इसकी सेकंड फॉर्म लर्न भी होती है, माने ईडी भी जोड़ा जा सकता है और ये भी होती है. लेकिन बच्चों विशेष बात यह है कि जब आप किसी व्यक्ति को कहते हो लर्नड मैन, तो बच्चों ये गलत होता है. लर्नड मैन कभी नहीं होता. जब एडजेक्टिव के सेंस में प्रयोग करना तो आपको क्या बोलना चाहिए, ए लर्नेड मैन. तो लर्नेड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, वर्ब के रूप में भी होता है, लेकिन लर्नड का प्रयोग बच्चों सिर्फ वर्ब के रूप में होता है और एडजेक्टिव के रूप में बिल्कुल नहीं होता है. तो आइए जरा ध्यान देंगे आप. हाँ, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और क्या तमाम बच्चे एक ही बात सीखते थे, श्योर बिल्कुल, इफ देवर ऑफ द सेम एज. या जो ऑफ शब्द है ना, बीच में आ नहीं रहा है, वो अंडरस्टूड है. तो बच्चों में आपको आप बोल के देखो एक बार, श्योर यानी अवश्य, इफ देवर ऑफ द सेम एज ग्रुप, इफ देवर ऑफ द सेम एज ग्रुप, यानी बच्चों एक ही एज ग्रुप के हुआ करते थे. अगर वो एक ही एज ग्रुप के हुआ करते थे तो बिल्कुल वो एक ही चीज पढ़ा करते थे. बट माई मदर सीज, लेकिन मेरी माँ कहती है They didn't do it, but my mother says, परंतु मेरी माँ कहती है टीचर is to be adjusted. एक अध्यापक को एडजस्ट होना चाहिए to fit, to fulfill the mind of each boy and each girl. लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की की मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए समायोजित होना चाहिए. तो बच्चों वो उसकी मम्मी ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी कुछ ज्यादा ही पढ़ी हुई है,
और वो बिल्कुल ठीक ही कह रही है, वो बच्चों एक कॉन्सेप्ट की बात कर रही है। ये कॉन्सेप्ट अभी भी चलता है लेकिन आने वाले समय में बच्चों बहुत ज्यादा चलेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में, जरा ध्यान देना, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब बच्चों इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? तो बच्चों इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति विशेष, जिसको व्यष्टि बोलते हैं। समष्टि और व्यष्टि जानते हैं? तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है बच्चों इसके माध्यम से यह है, इसका मतलब यह होता है, ये मनोविज्ञान का कंसेप्ट है, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का कंसेप्ट है बच्चों, लेकिन ये आपको जान लेना चाहिए, इसलिए जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये आपके बारे में ही है। ये आप ही के बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो इस कॉन्सेप्ट के साथ भी न्याय नहीं हो पाएगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यह है बच्चों, प्रत्येक बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट अलग होता है। इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत, और डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों विभिन्नता। हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है, इसलिए एक अध्यापक को चाहिए कि वो दोनों बच्चों की, आपके पास 10 बच्चे हैं 20 हैं, तो हर बच्चे की जो विभिन्नता है, हर बच्चे का जो फर्क है, उस फर्क को, उस अलगाव को ध्यान में रखते हुए ही और शी शुड इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन। बच्चों को इस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, जैसे बच्चों एक लड़का होशियार एक कमजोर, क्योंकि आप कहते हैं ईश्वर तो सबको दिमाग देता है। अरे देता है, लेकिन बच्चों फिर भी मनोविज्ञान इस बात को मानती है कि ये जो दिमाग होता है ना, ये क्या होता है? ये बच्चों जन्मजात होता है, लेकिन टीचर इसमें कुछ सुधार कर सकता है, माहौल इसमें कुछ सुधार कर सकता है, लेकिन इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि एक तो IQ मानी जो आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट होता है, अर्थात आपकी जो बुद्धि लब्धि है वो अलग अलग होती है। उसी प्रकार से एक बच्चा लूला लंगड़ा है, दिव्यांग है मेरा मतलब है ना, और दूसरा जो बच्चा है वो बिल्कुल फिट है, तो बताओ अंतर ही नहीं, भगवान ने फर्क कर दिया है। ओके, एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं होता? अरे नहीं होता, परंतु होता है, होता है, लड़के लड़के में होता। तुम तो लड़के लड़की की बात कर रहे हो। और आगे देखो, एक बच्चा एक बिजनेसमैन का या एक धनवान आदमी का बेटा है, एक अध्यापक का बेटा है, शिक्षक का बेटा है, और एक बच्चा ऐसा है जिसके पिताजी ठेला लगाते हैं और उनकी इनकम बहुत कम है। एक बच्चा ऐसा है जिसके पास में स्वयं प्राइवेट रूम है पढ़ने के लिए, सामने लैपटॉप PC और टैबलेट वैबलेट सब है, और एक बच्चा ऐसा है कि वो जिस घर में रहता है उस कमरे में उनकी रसोई है, उस कमरे में उनका पापा रहता है, उसी में मम्मी रहती है, उसी में बहन रहती है, उसी में खाना बनता है। अब बताओ बच्चों परिस्थिति अलग अलग की नहीं? इसलिए इस व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। इस व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए। ऐसा नहीं उसको इतना गृह कार्य तो इसको भी तो नहीं, अरे उसकी परिस्थिति के हिसाब से दो। दूसरी बात, अध्यापक को समय समय पर इनके घर जाकर के इनकी केस स्टडी करनी चाहिए कि इस बच्चे की जो है पीछे की स्थिति क्या है क्या नहीं है। तो अध्यापक को तो सारे काम करने चाहिए है ना, तो जनगणना भी वगैरह वगैरह, और ये जो सारे काम है बच्चों ये भी क्या अध्यापक के ही खाते में आते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि ये जो वो लड़की कहती है कि मेरी मम्मी कहती है कि एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, समायोजित होना चाहिए इन ऑर्डर टू फुलफिल द मेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच बॉय एंड ईच गर्ल ही और ही इज गोइंग टू टीच। कहने का मतलब बच्चों, वो जिस भी बच्चे को पढ़ाता है उस बच्चे की मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको क्या होना चाहिए, उसको बच्चों फिट होना चाहिए। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट फ्रेंडली, और मेरी मां ये भी कहती है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए अलग तरीके से। ऐसा नहीं है कि घोड़ा भी उसी घोड़े और गधे को आप क्या कर रहे हो, एक ही साथ आंक रहे हो। नहीं, घोड़े का रास्ता अलग, गधे का रास्ता अलग, क्योंकि घोड़े गधे तो ऊपर वाले बनाए, अपन ने थोड़ी बनाए है ना। तो उनको ध्यान में रखते हुए उस लड़की की मम्मी कहती है कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने का अलग अंदाज होना चाहिए, अलग, और प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये देखना चाहिए कि उस बच्चे को क्या चाहिए। बच्चों ध्यान रहे, ये शिक्षा जो है ना ये बच्चे के लिए है, और बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। अध्यापक खुद जो है उसे अपने आप को बदलना चाहिए, बच्चे की जरूरतों के अनुसार बच्चा नहीं बदलेगा। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ये बाल केंद्रित शिक्षा है, या बच्चा अहम है, वो जब चाहे वो जैसे चाहे उसको उसी समय और उसी तरीके से पढ़ाओ। अगर बच्चा अभी आप बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है और उसका मन रात को होगा तो उसको रात को पढ़ाओ, दिन में तो दिन को पढ़ाओ, वो जब चाहे वो जैसे चाहे, जैसे भी उसका विकास संभव हो। आप स्टडी करोगे उसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है,
और उसकी जरूरतों के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने जो शिक्षण कौशल है उनको बदलना चाहिए, अपने पढ़ाने के तरीकों को बदलना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि सब बदलेंगे, बच्चा नहीं बदलेगा, बच्चा किंग है, बच्चा अपनी जगह है। तो बच्चों, क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई, आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गई है। अब जरा बच्चों आगे अपनी बात को लेते हैं। तो डिफरेंटली जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, वो लड़का कहता है एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रही है तू, जस्ट द सेम का मतलब होता है तेरा कहना बिल्कुल सटीक है, ठीक ही नहीं है तो सटीक है, बट दे डिडंट डू इट, परंतु वे यह काम करते थे, नहीं करते थे दैट वे, उस तरीके से नहीं करते थे देन माने तब, यानी तब वो व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान तो रखते थे लेकिन इस तरीके से नहीं करते थे जिस तरीके से तुम बता रही हो। जस्ट द सेम, जस्ट द सेम का मतलब होता है एग्जैक्टली, अर्थात बिल्कुल जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है, बट दे डिडंट डू इट दैट वे देन, परंतु वे ऐसा तब, परंतु वे ऐसा इस प्रकार से तब नहीं करते थे, परंतु वे तब ऐसा इस प्रकार से नहीं करते थे। आइए देखें ये आई डिडंट से, सॉरी नहीं, अब साहब लड़के का दिमाग खराब, तो लड़का तो आपको आपको पता है जो किताब का धनी है वो तो यार पढ़ने देते पढ़ने देते, उसका मन हो तो नहीं पढ़ने देते, आप जानते हो छोटे बच्चों के पास कोई खिलौने वगैरह होते हैं या कोई ऐसी किताब होती है जिसके अंदर चित्र वगैरह होते हैं, सुन सबको दिखाते हैं, और जो बच्चा हट जाता है उसको तो नहीं दिखाते हैं, फिर वो दोस्ती जोड़ता है यार सुन मुझे भी दिखा देना, है ना। तो आपको बता बच्चे छोटे थे आप, तो आपने कहानी भी सुनी होगी, कई चूहे एक चूहा आ जाता है लंबी पूंछ, मेरे को भी खिलाओ, तो कहते हैं नहीं हम तेरे को नहीं खिलाएंगे क्योंकि तेरी पूंछ बड़ी है, फिर बाद में वो कहता है कि तेरी पूंछ कटवा के आप कटवा के आता है, फिर तेरे को नहीं खिलाएंगे क्योंकि तेरी पूंछ बड़ी क्या है, लहू आ रहा है, खून आ रहा है। तो बच्चों इस तरीके की बातें बचपन में जुड़ी हुई रहती हैं, तो वैसी बातें इसमें भी है। इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसको पसंद नहीं करती हो, यू डोंट यू टू रीड द बुक, तो तेरे को किताब पढ़ना इतना जरूरी भी नहीं है। If you don't like it, अगर तुम इस किताब को पढ़ना पसंद नहीं करती हो, you don't have to read it, यानी you are not forced to read it, अर्थात तुम इसको पढ़ने के लिए बाध्य नहीं। अगर तुमको किताब पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को पढ़ने के लिए क्या नहीं हो बच्चों, तो तुम इस किताब को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं हो। कौन कह रहा है? टॉमी कह रहा है। किसे कह रहा है? मार्गी को कह रहा है। वजह एक तो बड़ा है, थानेदार तो वैसे ही हो, दूसरी बात फिर उसके पास भी क्या है? किताब है। अब वो लड़की को किताब चाहिए, वो किताब इसको बार बार धमकाता है, मानसिक रूप से ब्लैकमेल करता है, तेरे को नहीं पढ़ना ना, चल जा। अब साहब तो बिचारी क्या करे, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि ये किताब मुझे पसंद नहीं है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि किताब मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी बोली सत्वर, मार्गी बोली सत्वर, सत्वर यानी होता शीघ्र, तो मार्गी बोली शीघ्र, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट, वो पढ़ना चाहती थी बारे में किसके, दो फनी स्कूल, अर्थात उन फनी स्कूल के बारे में। बच्चों आज के जो स्कूल चलते हैं फनी स्कूल, ये मजाकिया स्कूल जो है, मजाकिया पाठशालाएं जो है, इनके बाबत वो जानना चाहती थी, इनके बारे में पढ़ना चाहती थी, और अगर उसके बारे में पढ़ेगी तो किसमें पढ़ेगी, उस किताब में तो पढ़ेगी और कहां पढ़ेगी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड का मतलब होता है बच्चों दे हैडंट इवन हाफ फिनिश्ड, अर्थात यहां तक कि उन्होंने अभी आधी किताब भी समाप्त नहीं की थी। वेन मार्गीज मदर कॉल्ड, तब क्या हुआ बच्चों, कबाब में हड्डी, तब अचानक कबाब के अंदर हड्डी, यानी बड़ा आनंद आ रहा था, मजा आ रहा था, क्या कर देंगे उस किताब को पढ़ने में, और अचानक जो मम्मी की आवाज आई और मम्मी ने क्या बोला,
ठीक है। रैन मार्गी से मगर कॉल जब मार्गी की माने पुकारा, मार्गी मार्गी स्कूल, वो कहती है माँ ये स्कूल मार्गी, तुम्हारी स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल पढ़ने के दूर नहीं जाना, वो मकान के अंदर एक कमरे के अंदर स्कूल होता है तो उसमें पढ़ना पड़ता है। तो मार्गी लुकड़ा, मार्गी ने देखा ऊपर की ओर, मार्गी ने देखा ऊपर की ओर, नॉट येट, अभी नहीं मम्मा, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। देखो बच्चों पहले हम छोटे थे मम्मी बोलते थे, फिर मैंने धीरे धीरे सुना लोग मम्मी को मम्मा बोलने लग गए, अब आजकल मम सुनने लगा हूं, अब और भी कोई चेंज हो जाएगा। तो ये बच्चों शब्द के जो परिवर्तन है ये आपको पता नहीं कैसे चेंज होते हैं, डिक्शनरी में किस प्रकार से बदलते हैं। तो नाव यानी होता अब चेयर विशेष जॉन्स, नाव मानी अब होता अब जो, नाव यानी अब चेयर विशेष जॉन, विशेष जॉन्स बोली, एंड इट इज प्रोबेबली, एंड इट इज प्रोबेबली, एंड इट इज पॉसिबली टाइम फॉर टोमी टू टोमी ऑल्सो, अर्थात संभवतया या शायद टोमी का टाइम भी हो गया है, और शायद यह टॉमी का भी पढ़ने का टाइम हो गया है। मार्गी से टू टॉमी, मार्गी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताब को पढ़ सकती हूँ। बच्चों कैन एक मॉडल है जिसका प्रयोग परमिशन लेने और देने के सेंस में किया जाता है, मे आई कम इन सर, लेकिन कैन आई कम इन सर नहीं, क्योंकि सर आ गया है। जब बच्चों आप किसी व्यक्ति से परमिशन मांगते हो और उससे आपके रिलेशन फॉर्मल होते हैं, फॉर्मलिटी वाले होते हैं, मेरा कहने का मतलब प्लीज काइंडली मैडम सर इत्यादि आ जाए, तो मैं का प्रयोग करना चाहिए, और अगर ज्यादा पोलाइट होना चाहते हो तो मैं नहीं बल्कि माइट का प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लो हेजिटेशन है तो भी माइट का प्रयोग होता है, जैसे माइट आई यूज योर बाइक, माइट आई यूज योर बाइक, क्या मैं आपकी कार को यूज कर सकता हूं, है ना। ई शेड टू इज एंग्री फादर, उसने अपने नाराज बापू से कहा, तो बच्चों उत्पल ही नाराज, और आप बाइक मांगोगे उसका दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर आपको डांट देगा। तो ऐसे में क्या है कि मतलब डांट देगा नहीं, डांट देंगे तो बच्चों फिर क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं तो मैं का प्रयोग करते हैं, और अगर उसमें हेजिटेशन का भाव है तो माइट का प्रयोग करते हैं। बच्चों फॉर्मल परमिशन की बात है, लेकिन जैसे मान लो आप अपने दोस्त को कहोगे तो आप जब उसको कैन क्यों नहीं तो बोलोगे, कहने का मतलब ये हुआ कैन आई यूज योर पेन मोहन, मोहन तेरा पेन यूज कर लू क्या, कैन आई यूज योर, कैन आई बोरो योर बैट मोहन, मोहन क्या मैं तुम्हारा बल्ला ले सकता हूँ क्या उधार। तो बच्चों दोस्तों के अंदर आप जानते हो जहां तू तकड़ा चलता है, तू तकड़ा चलता है, जिस जहां पर किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है वहां कैन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पापा को भी कहो तो कैन का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि पापा के साथ पास बहुत अधिक पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पापा जब आपको कोई चीज देते हैं तो आप एहसान नहीं करते, उनका फर्ज बनता है। लेकिन जब आप किसी अन्य आदमी से मांगोगे, आपका अखबार पढ़ लूं क्या, बस में जा रहे और पड़ोसी के पास अखबार है, तो आपको मे आई गो थ्रू योर न्यूज पेपर प्लीज, मे आई गो थ्रू योर न्यूज पेपर प्लीज, तो बच्चे मे और कुड का प्रयोग कब करते हो, जब एक्सट्रीमली पोलाइट होना होता है तो कैन की जगह कुड का प्रयोग करते हैं, जैसे द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज बिजी नाउ, यू कुड प्लीज वेट और ट्राई आफ्टर सम टाइम, यू कुड प्लीज वेट और ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो बच्चे कैन और कुड, मे और माइट का फर्क बहुत अच्छे से सरल शब्दों में आपके सामने बखान किया जा चुका है। आगे जरा देख रहा, मार्गी शेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक, कैन आई रीड द बुक, अर्थात क्या मैं किताब पढ़ सकती हूँ, सम मोर मैंने कुछ और, विद यू अर्थात तुम्हारे साथ, आपका स्कूल मैंने विद्यालय खत्म होने की बात, अभी स्कूल है, स्कूल का मतलब वो मास्टर पढ़ा रहा है कंप्यूटर वाला, वो रोबोट, तो रोबोट पढ़ा रहा है, तो उसके बाद में जब स्कूल से छुट्टी हो जाएगी मेरे, तो उसके बाद में क्या इस किताब को मैं तुम्हारे साथ कुछ और पढ़ सकूंगी। तो लड़का क्या कहता है, थानेदार किताब का दड़ी है, तो मे भी शायद देखा जाएगा। ही शेड नॉन शलेंटली, ये बच्चों सी एच है ना, इसको क्या बोलना चाहिए, इसको बच्चों चे नहीं बोलना चाहिए, नॉन चैलेंटली मत बोलना, इसको नॉन शलेंटली बोलना, उसका कारण है बच्चों। देखो आप जानते हो एक शब्द है एम ए सी एच आई एन ई, जानते होंगे आप इसको क्या बोलोगे, इसको बच्चों मशीन नहीं, इसको मशीन नहीं, इसको मशीन बोलो ये, ठीक है। अब जरा देखना पी ए आर ए सी एच यू टी ई, तो बच्चों ये जो इसको आप पेरा चूट नहीं बोल करके आप इसको शूट बोलेंगे, शूट, ठीक है। तो ये जो है सी एच है, ये बच्चों एस एच का, एस एच की ध्वनि देगा, किसकी ध्वनि देगा बच्चों, ये एस एच की ध्वनि देगा। उसी प्रकार से एक शब्द होता है बच्चों, आप जानते हो एस सी एच डी यू एल ई, शेड्यूल। तो शेड्यूल में बच्चों आप जानते हो जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो पहला कॉन्सोनेंट क्या होता है, आइदर आइदर हाफ स्पोकन और कैप साइलेंट, या तो ये हाफ स्पोकन होता है या साइलेंट होता है। तो बच्चों आप जानते हो एक तो ये है एक ये है। अब आप ये कहोगे सर एस तो एक है लेकिन सी एस तो दो है, दोनों बच्चों को एक ही माना जाएगा, जब दो लेटर मिलकर के
एक एक ही उच्चारण करते हैं, जब दो लेटर मिलकर के एक ही उच्चारण ध्वनि निकालते हैं तो बच्चों आप उसको क्या मानते हो, उसको सिंगल यूनिट मानते हो। तो यहाँ पर आप इसको एक मानोगे, इसको एक मानोगे, भी साइलेंट रहेगा, बताओ इसको क्या बोलोगे, शे बोलोगे ना, तो शेड्यूल बोलोगे, इसको चेड्यूल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, शेड्यूल बोलोगे, इसको चेड्यूल नहीं बोलोगे। आप गाँव में रहते हैं बच्चों तो आप देखते हैं एक ट्रैक्टर होता है तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, आप आईचर है ना, वो नहीं बोलते हैं, इसको आईशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आईशर नहीं बोलते हैं बल्कि आईशर बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, आशा करता हूँ कि अच्छे समझ में आ रहा है। अच्छा आइए बोलो देखो कहां तक आ गया है। तो नॉन साइलेंटली शेड, नॉन साइलेंटली अर्थात वो बोला, ठंडे दिल से बोला, बिना उत्साह के बोला, उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई जोश नहीं दिखाया। ठीक है, ही वॉकड अवे व्हिसलिंग अर्थात वो सीटी बजाते हुए दूर चला गया, द डस्टी ओल्ड बुक। और क्या था बच्चों, धूल भरी हुई पुरानी किताब टकड़े माने ठूसी हुई थी बिनीथ अंडर हिज आर्म, अर्थात बच्चे जो अपना हाथ है जैसे इस तरीके से किताब को ठोस करके सीटी बजाते हुए बच्चा जो भागा। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम। मार्गी बच्चों का चली गई स्कूल रूम में, चली गई। इंटू का प्रयोग हो रहा है, जब कोई बाहर से अंदर जाए गति के साथ जाए तो इंटू आता है। रोज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, इट वॉज राइट, राइट का मतलब इट वॉज एग्जैक्टली नेक्स्ट टू हर बेडरूम, अर्थात ये बिल्कुल उसका जो बेडरूम है उसके बिल्कुल आगे वाला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन था एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, अर्थात ये हमेशा ऑन हुआ करता था। एट द सेम टाइम माने उसी समय, एवरी डे माने हर दिन एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी केवल शनिवार और इतवार, माने शनिवार और इतवार को छोड़ करके हर दिन बच्चे इसी समय क्या होता था, ये इसी समय जो ऑन होता था, हर दिन ये इसी समय ऑन होता था। ठीक है, आगे जरा देखना। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, था जो छोटी लड़कियां होती है ना वो ज्यादा बेहतर सीखती है, इफ दे लर्न, अगर वो सीखे या पढ़े एट रेगुलर ओवर्स, अर्थात अगर वो नियमित घंटों से पढ़ाई करें। क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि छोटी लड़कियां ज्यादा बेहतर सीखती है अगर वो नियमित घंटों पर, नियमित घंटों के अंतराल में जो है क्या करें, पढ़ाई करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, यानी बच्चों जो पर्दा था वो आलोकित हो गया था। एंड इट शेड, और वो कंप्यूटर मास्टर कह रहा था, टुडे इज अर्थमेटिक लेसन, वो गणित का था बच्चों, कौन सा था, वो गणित वाला था, बिल्कुल रोबोट था वो गणित वाला। तो टुडे इज अर्थमेटिक लेसन का मतलब बच्चों आज क्या है, आज हिसाब का सबक पढ़ेंगे हम। इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रोपर फ्रैक्शंस का मतलब जो उचित बिन्न है, उन उचित बिन्नों के जोड़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मैथ्स का टीचर कह रहा है, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया आपका जो कल का गृहकारी है उसको आप क्या कर दो, सबमिट कर दो इन द प्रोपर स्लोट, मान जो उचित खांचा है उस उचित खांचे में तुम क्या कर दो, कल ये गृहकारी को सबमिट कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी बोली, मार्गी ने साई किया, विद अ साई का मतलब एक आह के साथ में मार्गी ने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो उन पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी, जो वे लोग रखा करते थे। वेनर ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड फादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उनके दादाजी के दादाजी अर्थात दादा के दादा पर दादा जो है बिल्कुल नन्हे से लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, अर्थात तमाम बच्चे अपने अड़ोस पड़ोस से क्या होता था बच्चों, आते थे। लोफिंग माने हंसते हुए एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, अर्थात हंसते हुए आते थे, चिल्लाते हुए आते थे स्कूल के आते में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, आकर के स्कूल के कमरे के अंदर सारे बच्चे साथ साथ बैठ जाते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन खत्म हो जाता था तो सारे बच्चे मस्ती करते हुए एक साथ जो घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, अर्थात वे एक जैसी चीजें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की सहायता कर सकते थे, है ना, विद द होमवर्क माने गृह कार्य में। एंड टॉक्ड अबाउट इट, और इसके बारे में बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सुनो, और जो टीचर थे बच्चों वो इंसान हुआ करते थे। टीचर कौन हुआ करते थे, टीचर इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, यानी जो रोबोट मास्टर था वो बच्चों फ्लैश कर रहा था ऑन द स्क्रीन माने पर्दे के ऊपर। व्हेन वी एड, वो कह रहा था जब हम जोड़ते हैं फ्रैक्शन वन बाई, ठीक है बच्चों, 1/2 एंड 1/4, यानी 1/2 और 1/4 को जब हम जोड़ते हैं, ये भिन्न है बच्चों, ये भिन्न उचित भिन्न है, उचित या अनुचित मुझे ठीक से पता नहीं है, पर ये भिन्न है। और इन भिन्नों को जब हम जोड़ते हैं, ऐसा कंप्यूटर का मास्टर वो कह रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही थी हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्गी सोच रही थी कि बच्चे कितना प्रेम करते होंगे, कितना चाहते होंगे, कितना मजा आता होगा उनको इन द ओल्ड एज, यानी पुराने जमाने में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट, वो ये सोच रही थी द फन दे हैड, अर्थात वह उस मजे के बारे में सोच रही थी, उस आनंद के बारे में सोच रही थी जिसका कि उस जमाने के बच्चे लुत्फ उठाया करते थे। तो बच्चों इस तरह से आज की बात ये समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। पाठ खत्म हो गया बच्चों, नमस्कार।